बच्चे का डीएनए पिता से ना मिले, कारण और निवारण। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है और इससे यह भी निर्णय लेना मुखरता है कि आपकी पत्नी का किसी से अवैध संबंध है। डीएनए टेस्ट आपके पत्नी का कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं है। पूरी दुनिया में बेबी स्वैपिंग जब तब घटती रहती है। अस्पतालों में, खासकर जहां बहुत भीड़ भाड़ होती है, वहां पर बच्चों का बदलना आम है। एक साथ कई बच्चे पैदा हो रहे होते हैं, जिस कारण कभी कभी नर्स या पीडियाट्रिक डॉक्टर की गलती से बच्चे आपस में बदल जाते हैं और माता पिता को अपने जैविक बच्चे के बजाय अन्य बच्चे मिल जाते हैं। साथ ही साथ जो लोग IVF के द्वारा कोख के बाहर प्रयोगशाला में अपने अंडे और शुक्राणु का निषेचन कराते हैं, वहाँ भी कई बार अंडे अथवा शुक्राणु के संग्रहक पर गलत टैग लग जाने से आपको अपना जैविक बच्चा नहीं मिल पाता है। अभी एक साल पहले एक नर्स का किस्सा बड़ा चर्चा में रहा कि उसने जानबूझकर एक अस्पताल में लगभग 3 दशक तक बस अपने मौज के लिए बच्चा बदल देती थी। इसी तरह ब्रिटेन के एक डॉक्टर थे जो IVF के लिए पति का शुक्राणु और मां का अंडा लेते तो थे, लेकिन कभी भी पति के शुक्राणु का प्रयोग नहीं किया और अपना शुक्राणु इस्तेमाल करते रहे, और इस तरह वह 400 बच्चों के जैविक पिता थे। क्या करना चाहिए जब यह पता चले कि आप अपने बच्चे के जैविक पिता नहीं हैं? नंबर यह 1, यदि उस बच्चे की उम्र 3 साल या उससे ऊपर है और आपका परिवार शांतिपूर्वक चल रहा है, साथ ही साथ आपके बच्चे से लगाव हो गया है, तो उसे अपना लें, यही सबके लिए अच्छा है। नंबर 2, आपका बच्चा बिना IVF के साधारण निषेचन से हुआ है और आपको थोड़ा बहुत अपनी पत्नी पर शक है, तो पत्नी के DNA की भी जांच कराइए। नंबर 1, यदि उसका DNA पत्नी से भी नहीं मिलता तो आपका शक एकदम गलत है, क्योंकि वह बच्चा अस्पताल में बदल गया है और आपका बच्चा किसी और को मिल गया है। ऐसी परिस्थिति में आप कोर्ट का सहारा लें और उस अस्पताल में उसी दिन पैदा हुए बच्चों के DNA टेस्ट की मांग करें। हालांकि उस बच्चे को अपनाना ही सबसे अच्छा विकल्प होगा रहेगा। B, यदि बच्चे का DNA पत्नी से मिल गया तो इसका मतलब वह आपको धोखा दे रही थी। ऐसी परिस्थिति में उससे तलाक की मांग कर सकते हैं। नंबर 3, यदि आपका बच्चा IVF से पैदा हुआ है और उसका DNA आपके पत्नी से मिले अथवा ना मिले, आपको उस पर शक करने का कोई अधिकार नहीं है। इसलिए DNA टेस्ट को एक झटके में अपने पत्नी का कैरेक्टर सर्टिफिकेट मत बनाइए। वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।